स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो में जो सारा टॉपिक है, ठीक है, डिस्कस कर लिया था। तो इस वाली वीडियो में मैंने नोड्स की टाइप्स पे, ठीक है, और उनके जो कर्व्स हैं उन पर वीडियो बनाई है। लास्ट तक देखना, ठीक है, वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एन के इक्वल होते हैं, और जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एन माइनस वन। ठीक है, नोड्स क्या होती हैं, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम, ठीक है, वो होती है नोड्स। तो नोड्स की टू टाइप्स होती है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ नोड्स, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाई वन सभी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, जो कर्व्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है 3D, ठीक है, 3D क्या है, हमारे पास डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं, ठीक है, डिफ्यूज्ड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। लाइक जो इनका होता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। तो छोड़ो इस बात को, हमने यहाँ पर क्या करना है, रूट्स की बात करनी है, ठीक है, हमने सिर्फ। तो हम इस पे एटॉमिक ऑर्बिटल 3D है, तो इसमें जो रेडियल नोड्स होगी वो क्या होगी, लाइक हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, ठीक है, तो हमारे पास कर्व है, r इज द डिस्टेंस एंड 4πr² एंड साई स्क्वेयर इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमने दोनों में जो कर्व ड्रॉ की है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस लाइक का बनता है। तो 3D ऑर्बिटल में हमने जो नोड्स दिखनी है, सबसे पहले n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, तो n हमारे पास क्या है, 3, बिकॉज हमारे पास क्या है, 3D ऑर्बिटल, ठीक है, 3D ऑर्बिटल है, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। l इज द एजीमुथल क्वांटम वैल्यू 3 होगी, ठीक है, l इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो देयर आर नो रेडियल नोड्स, तो देख लेते हैं, सो वाई देयर आर नो रेडियल नोड्स इन केस ऑफ 3D ऑर्बिटल, बिकॉज ग्राफ इज लाइक दिस, सो कर्व इज लाइक दिस, पीक वैल्यू इज हेयर, तो वी कैन से दैट पीक वैल्यू इज हेयर, ठीक है। पीक वैल्यू का क्या मीन है इसमें, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इन जर्नल, ठीक है, जर्नल में क्या होता है, जो एन डी ऑर्बिटल होते हैं, एन क्या हो सकता है, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, अप टू 7। सो जो एन डी ऑर्बिटल्स होते हैं हैज़ एन माइनस 3 रेडियल नोड्स। तो जर्नल फार्मूला क्या है, कुछ जो भी एन डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एन माइनस 3 रेडियल नोड्स होती है, ठीक है, एन माइनस 3, एन इज दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हेयर इज 3D, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, 3 माइनस 3 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं नेक्स्ट, सो 3D ऑर्बिटल्स हैव 0 रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स डू बिकम एविडेंट इन द हायर डी ऑर्बिटल्स, बट जो 3D के अलावा 4D होते हैं, ठीक है, 5D होते हैं ऑर्बिटल्स, उसमें क्या होती है, नोड्स की अपीयरेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ नोड्स इन हायर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जर्नल में इसमें पॉइंट क्या था, ये बताना चाहती थी मैं कि जो एन डी ऑर्बिटल है उनका क्या फॉर्म होता है, एन माइनस 3 रेडियल नोड्स होती है, ठीक है, दिस वाला पॉइंट आपने नोट कर लेना, ठीक है, नोट द पॉइंट, ठीक है, एन माइनस 3 हमारे पास क्या होती हैं, रेडियल नोड्स। तो हमारे पास आगे आ जाता है 4D एंड 5D हायर ऑर्बिटल्स रेडियल नोड्स, ठीक है, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें ऑब्वियस है एन की वैल्यू 4 होगी, एल की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ठीक है, एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3, ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसे होती है। तो हेयर इज द अपीयरेंस ऑफ नोड, तो ग्राफ जो कर्व है, ग्राफ और कर्व बोल सकते हैं, सिमिलरली हमने ड्रॉ की है, ठीक है, तो 1 नोड की अपीयरेंस होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जनरली द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है गाइस। तो ये वाला पॉइंट भी आपने नोट कर लिया। हमने जनरली स्पीकिंग में क्या बोलते हैं, एन डी ऑर्बिटल एन माइनस 3, तो हमने क्या बोला पीछे, जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करती है, सो 4D ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 रेडियल नोड इज हेयर। करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल 4F की, ठीक है, उसमें में सिमिलरली 4F में क्या है, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, बिकॉज g के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2, और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3, ये तो आप सभी को मालूम ही है, ठीक है। तो इसमें हम ग्राफ इस टाइप का आ जाता है, ठीक है, जैसे 3D में आया था,
तो जनरली 4f ऑर्बिटल हैज n माइनस 4, जैसे एन डी ऑर्बिटल में क्या था हमारे पास, एन डी ऑर्बिटल में हमारे पास क्या था, n माइनस 3 रेडियल नोड्स होती थी, ठीक है। इसमें क्या होगी, n माइनस 4 रेडियल नोड्स, तो 4f ऑर्बिटल्स हैव 0 रेडियल नोड्स, ठीक है, ऑब्वियस है। तो रेडियल नोड्स डू बिकम एविडेंट फॉर हायर 4f ऑर्बिटल्स लाइक 5f और 6f के लिए, 5f के लिए, ठीक है गाइस, हमारे पास एविडेंट होगी, अपीयर होंगी। वन प्रॉब्लम और क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी रेडियल एंड एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट इन 3d एंड 4f ऑर्बिटल। हमने रेडियल नोड्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाए कि एंगुलर नोड्स जो होती है हमने कैसे निकाली है, तो इससे हम क्लियर कर लेंगे। लाइक फॉर 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है, 3d ऑर्बिटल्स के लिए हमने क्या है, रेडियल नोड्स निकाल लिए, 0 है, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होती है, जो उसका क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल क्या होती है हमारे पास, एंगुलर क्या होती है, नोड्स होती है। लाइक जी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, ठीक है गाइस। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये पॉइंट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है डिस्क्राइब करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, साइज कितना है, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ऑर्बिटल का साइज होगा। लाइक डी का, ठीक है, लाइक जी का ज़्यादा है और एफ का ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एस एंड पी, ठीक है। तो सिमिलरली एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये वाला क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की शेप को बताता है, ठीक है। तो जनरली ये वाला आप टेबल, ठीक है, याद रख ले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉलेज के लिए आप क्या कर ले, इसको याद कर ले, और पॉइंट टू बी रिमेंबर, जैसे हमारे पास एन पी ऑर्बिटल होगा उसके लिए एन रेडियल नोड्स क्या होगी, एन माइनस 2, और एन डी ऑर्बिटल होगा उसके लिए एन माइनस 3, एन एफ ऑर्बिटल होगा उसके लिए एन माइनस 4 रेडियल नोड्स होगी, ठीक है गाइस। जैसे 2p ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 1 है, तो इसमें भी 0 रेडियल नोड्स होगी। लाइक हमने रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व को ठीक है स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी हमने जे वाला फार्मूला भी ठीक है स्टडी किया था, तो उस पे उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी सेम केस है, इसमें भी 0 आ गया और इसमें भी 0 आ गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सी मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।